आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। तीन दिवसीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेतिया पर पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ नगर पंचायत के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप निकुम ने एक दिन के नवजात बच्चे को पल्स पोलियो की दवा पिलाकर किया। इस दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्ष कमलेश राजपूत, पार्षद प्रकाश महाले, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेहा आर्य, चिकित्सक डॉक्टर अमन मोदी और स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ उपस्थित था। पल्स पोलियो अभियान के तहत टीकाकरण हेतु नगरी क्षेत्र में की गई व्यवस्था का अवलोकन बीएमओ डॉक्टर अरविंद किराड़े, एसडीएम सुमेर सिंह मुजालदा ने करते हुए स्वास्थ्य केंद्र पर बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाकर चॉकलेट दी। नगर पंचायत उपाध्यक्ष प्रदीप निकुम ने सभी पालकों से अपील की कि वो अपने बच्चों को पल्स पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेहा आर्य ने पल्स पोलियो अभियान के तहत की गई तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। खेतिया से राजेश नाहर के साथ राजू गायकवाड़ की रिपोर्ट। पल्स पोलियो का राष्ट्रीय अभियान आज दिनांक से 15 वार्डों में 15 बूथों पर, खेतिया नगर के 15 बूथों पर इसकी शुरुआत की गई है। सभी नगरवासियों से आग्रह निवेदन है कि अपने बच्चों को पोलियो की दो बूंद जरूर पिलाएं। आज 31 जनवरी से 3 दिवसीय पूरे भारतवर्ष में पल्स पोलियो का प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके लिए हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेतिया में 15 बूथ, 3 ट्रांजिट टीम, 1 मोबाइल टीम बनाई गई है। तो सभी से निवेदन है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को जरूर लेके आइए बूथ पे और दवाई पिलाइए। जो बच्चे आज छूट गए उन्हें कल घर घर जाके दवाई पिलाई जाएगी। तो जरूर आइए, दो गुण जिंदगी।